हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा वी स्टडी नाउ चैप्टर नंबर 12, हिरॉन्स फार्मूला। बेटा हिरॉन्स फार्मूला ये टॉपिक जो है हमारा, ये इसमें क्या करते हैं, हम एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालते हैं बेटा। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटा। हिरॉन्स फार्मूले के बेसिस से आज आपका क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल द टू साइड ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, फाइंड द और एंड द पैरामीटर इज 32। और हमें इसके लिए क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है बेटा। ये कोई ट्रेंगल दिया हुआ है, इस ट्रेंगल की टू साइड हमें दी हुई है, वन साइड इज 11 सेंटीमीटर है और एक 8 सेंटीमीटर है, और ये अदर साइड हमें मिसिंग है, ये हमें फाइंड करनी है क्योंकि, और इसका पैरामीटर हमें दिया हुआ है। तो बेटा इसमें हमें इसका जो पैरामीटर है पी, वो कितना दिया हुआ है बेटा, 32 सेंटीमीटर्स। तो यदि हम इसकी थर्ड साइड ऑफ फाइंड आउट कर रहे हैं ए बी, तो ए बी जो साइड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, ए बी जो हो जाएगी इसका जो पैरामीटर है 32, उसमें से हम इन दोनों साइड को प्लस करके माइनस कर देते हैं, तो 11 प्लस 8 32 माइनस 11 और 8 19 माइनस कर देते हैं तो कितना आ गया बेटा, यहाँ कैरी ली 12 में से 9 जाएगी तो कितने बचेंगे 3, और 2 में से 1 जाएगी 13 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारी साइड फाइंड आउट होगी 13 सेंटीमीटर। अब हम इसके लिए इसका सेमी पैरामीटर निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए पहले एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला होता है आपके पास ए प्लस बी बाई 2। अब पैरामीटर टोटल कितना है, 32 बाई 2 करा, इसे डिवाइड कर देंगे तो 16 आ गया। यूजिंग द हिरॉन्स फॉर्मूला, यूजिंग हिरॉन्स फॉर्मूले का यूज करते हैं बेटा, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसके अंदर बेटा ये वैल्यू पुट कर देते हैं, एस कितना है 16, तो 16 लिख दीजिए, 16 में से फर्स्ट साइड माइनस कर दीजिए, 16 में से सेकंड साइड माइनस कर दीजिए, और 16 में से बेटा थर्ड साइड माइनस कर दीजिए जो अभी आपने फाइंड करी है। तो ये फर्स्ट साइड माइनस कर दी, सेकंड, थर्ड, तीनों साइड माइनस कर दीजिए, स्क्वायर रूट 16 इंटू 16 में से 11 लेस देन करा 5, 8 लेस देन करा 8, और 13 लेस देन करा तो 3। अब बेटा इसके हम प्राइम फैक्टर्स कर रहे हैं, 16 को हमने क्या लिख दिया बेटा 4 इंटू 4, 5 को हमने ऐसे ही रहने दिया, 8 को हमने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम बेटा इसके पेयर टेक ओवर कर लेते हैं, कंप्लीटेड एक 4 का पेयर बन जाएगा, एक 2 का पेयर बन जाएगा, तो इसमें से 2 और एक 4 तो बाहर आ गया, लेकिन 5 एक इनकम्प्लीटेड बच गया और 2 एक इनकम्प्लीटेड पेयर में बच गया, और एक 3, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 5 टू जा 10, 10 इंटू 3 30, तो 4 इंटू 2 8 रूट 30 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो इसका ये क्या आ गया बेटा, एरिया। तो इस तरीके से हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी रूट की वैल्यू निकाल के भी हम इसमें मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या था, एक ट्रेंगल दिया था जिसकी टू साइड दी हुई थी, पहले थर्ड वाली साइड को हम फाइंड करते हैं, पैरामीटर में से हमने दोनों साइड को प्लस करके माइनस कर दिया तो थर्ड साइड फाइंड आउट होगी। बेटा हिरॉन्स फॉर्मूला वहाँ अप्लाई करते हैं जब तीनों साइडेड हमें दी हुई है। अब हमें तीनों की तीनों साइडेड पता है ट्रेंगल की, तो हिरॉन्स फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, हिरॉन्स फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करते हैं, पुट करने के बाद जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर।